अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज आलू की टिक्की। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। मैंने ये आधा किलो आलू ली हूँ और इसको उबालकर इसके छिलके निकाल कर ले ली हूँ। इसको अब हम मैश करेंगे। आलू मैश हो चुके हैं। अभी मैं इसमें डालूँगी नमक स्वाद के हिसाब से। अभी मैं इसमें डालूंगी एक वाटी बारीक कटी हुई गाजर, एक वाटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, इसमें डाल लेंगे एक वाटी उबला हुआ कोल, इसमें मसाला ऐड करूंगी दो चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, दो चम्मच कुटी हुई धनिया, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिरी, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसमें डालूंगी कटी हुई कोथमीर। अब इन सारी चीज को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए सारे मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं। अभी हम इसको शेप दे देंगे। मैंने इसको ट्रायंगल शेप दी हूँ, आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। अभी हम टिक्की को ब्रेड क्रम्ब में लगाएंगे। इसी तरह हम सारे टिक्कियाँ बना लेंगे। देखिए सारी टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए फ्राई पैन में मैंने तेल डालकर गरम होने के लिए रख दी हूँ। तेल गरम हो चुका है। अभी हम इसमें रखेंगे टिक्की। और इसे नीचे लाल होने तक के पकाएंगे। देखिए टिक्की नीचे से लाल हो चुकी है। अब हम इसे पलट लेंगे। टिक्की देखिए चारों तरफ से लाल हो चुकी है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह वेज आलू टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना वेज आलू टिक्की कैसे बनी। अल्लाह हाफिज़।